हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी दिल्ली का क्या ही मौसम बताऊं यार, बिन मौसम बरसात हो रही है। अभी देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। और अभी इससे दो मिनट पहले ही बस इतना बारिश हुआ है। यहाँ पे पानी देख सकते हो कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा पानी। बस कुछ इसी तरह बिन मौसम मेरी लाइफ में ही पैसों की बरसात हो जाए, शायद तभी मेरी लाइफ भी सवर पाएगी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो अभी 5 बजने वाले हैं और पार्टनर वो आ रहा है। सो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, फ्रेश फ्रेश होके। जैसे यार मेरी आँख में ना कुछ ज़्यादा रेडनेस हो रही है, एज यू कैन सी, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यू कैन सी ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। ऐसा फील हो रहा है मेरी आँख में ना, इस प्यूपिल के जस्ट बगल में 3 डॉट आ रहे हैं। लगता है मेरी आँख खराब होने वाली है। ऐसा ना हो, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बट रेडनेस होना तो नॉर्मल है। तो ये मेरे को हो गया 6 दिन से मेरी आंखों की रेडनेस जा ही नहीं रही है। सो मैं जिम नहीं गया था तो सोचा चलो फिर डॉक्टर के पास ही चल लेते हैं, सिर्फ रेडनेस के। उसने मेरे को 1 खाने वाली और 4 आंखों में डालने वाली ड्रॉप, 2 आंखों में 1 आंखों में। अबे भाई लूट लिया मेरे को, लूट लिया। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से लूट लिया इनकी डैश डैश। अभी पहुंच चुके हैं अपन जिम, और जिम की जो वाइब है ना अभी, श्री राम जानकी बैठे हुए मेरे सीने में, आए हाय मजा। अभी मेरी और कन्या की बैक लगी थी, जो भी बैक सिनेप मारेगा, नहीं इसने तो मार दिया था, बट अगर मैं मार देता तो ये जिम में नाचेगा, तो ये अब नाचेगा तो जरूर इस नचनिया को आज नाचेगी। お前はもう死んでいる。ये सीजा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिखा रहा है, अरे रहेगा तो बड़ा ही दिखाएगा ना। फिर तो इतने पास से वीडियो बनाया करूंगा मैं। बट लिटरली यार मॉर्निंग की हैबिट लगने के बाद ना इवनिंग में वर्कआउट हो नहीं रहा। मैं खा रहा हूँ अभी शार बॉयल एग प्लस ये मैं बताऊँ क्या है, इसमें ओट्स और दलिया दोनों मिक्स हैं यार। ये हम मिडिल क्लास बंदे ही समझ सकते हैं। मुझे जाना है अपने कंप्यूटर क्लास, क्योंकि हमारा एक्सेल का कोर्स चल रहा था, एक्सेल का कोर्स ख़त्म हो गया, प्लस पीपीडी भी चल रहा था। तो उस कोर्स में दोनों चीज़ मर्च होके एग्ज़ाम हुआ था, बट जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट है कहाँ पता नहीं कहाँ, जो सर्टिफिकेट मिला था उसमें सिर्फ एक्सेल का ही मेंशन है कि हाँ एक्सेल किया होगा, पीपीडी का कोई वो रोल नहीं है उसमें। तो अभी कज़न ब्रो आ रहे हैं, वो यार वो 10 मिनट में आ जाएगा, मैं ब्लॉगिंग कह रहा है। सो वो आ रहा है, उसके बाद जाएंगे हम वहाँ पे बात करेंगे, देखते हैं क्या मैटर है क्या नहीं है। सो कज़न भाई की बात हो चुकी है वहाँ सर से, दैट उन्होंने बोला कि एक्सेल में ही पीपीडी इंक्लूड होता है, तो वो
एक्स्ट्रा उसका लिखा नहीं जाएगा, बट उन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं कर सकते, बट आपका रिज्यूम अगर आप जॉब के लिए जाओगे तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो, तो वैलिड माना जाएगा। अब इसका कोई मेरे को वो तो लॉजिक तो लग नहीं रहा कि क्या हुआ क्या ये हमारे साथ। यार एक चीज़ का मुझे बड़ा दुख है, कन्या को मैंने नचाया नहीं भरी जिम में। मैं बैट जीत गया बट लास्ट में मेरे को याद नहीं आया यार उसको नचाना था, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर नचाऊंगा, पक्का नचाऊंगा। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और फुल पेट डिनर करने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए छत पे आ गया हूँ, क्योंकि खाने के बाद वॉक बहुत ज़रूरी होती है, कार्डियो हो जाती है एक तो सबसे बेस्ट। अब पता नहीं मैं ऐसे घूम गया हूँ तो इस लाइट की वजह से मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, बट लेट्स गो विद द फ्लो। एक रील देख रहा था और जिससे रिलेटेड मैंने रील आज अपलोड भी की है, जिसमें एक एथलीट होता है वो अपने मैच के दौरान ही उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उस वीडियो से मेरे को तो ये सीख मिली दैट वी हैव ओनली वन लाइफ, राइट? एंड लिटरली मैं बताऊँ तो आजकल की जो जनरेशन है, जिस जनरेशन में हम हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड और एनजाइटी से डील कर रही है। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना बहुत बड़ा मतलब ओवर थिंक की वजह से क्रिएट करके लोग अपनी लाइफ को ना इन्जॉय नहीं कर पा रहे, जी नहीं पा रहे सही से। वी शुड इन्जॉय आवर एवरी सिंगल मोमेंट विद हैप्पीनेस। और आपने कुछ सोचा हो कि चलो मैं कल ये करूँगा वो करूँगा, बट आपको क्या पता है कि कल की सुबह आप देख पाओगे कि नहीं। से ये बोलना नहीं चाहिए बट दिस इज़ द फकिंग ट्रूथ एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस। एंड देखो जीना तो है ही, मर तो नहीं सकते ना। अगर जीना है ही तो यार हंस के जीने में क्या बुराई है, कि लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं एंड दैट्स नॉर्मल। बट एक चीज़ जो है जो हमेशा परमानेंट रहनी चाहिए वो है हमारी स्माइल। हर सिचुएशन को एक स्माइल के साथ डील करो, लिटरली बता रहा हूँ। हर चीज़ को फेस करना ना इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। लव यू ऑल, पीस।